हरियाणा में बीजेपी ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है। बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई है और इतिहास रच दिया है। करीब 5 दशक बाद हरियाणा में किसी पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। हरियाणा के नतीजे बीजेपी की खास रणनीति का हिस्सा रहे। एंटी इनकम्बेंसी और किसान, जवान और पहलवान से जुड़े तमाम मुद्दों को साधते हुए बीजेपी ने हरियाणा में ये जीत हासिल की है। हरियाणा में बीजेपी की इस जीत के पीछे कई अहम चेहरे शामिल रहे। इसके पीछे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के नेताओं के अलावा 4 ऐसे चेहरे भी शामिल हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे से इस जीत की स्क्रिप्ट लिखी। 7 महीने पहले खट्टर को पद से हटाने से लेकर चुनाव के लिए एक एक उम्मीदवार चुनने और हर मुद्दे पर गहराई से काम करने तक बीजेपी ने ऐसे बड़े कदम उठाकर ये जीत हासिल की है। और इस जीत में बीजेपी के 4 चाणक्यों का जिक्र होना शामिल है जिन नेताओं के अहम योगदान से ये जीत संभव हुई है। विप्लव देव। बीजेपी के इन 4 अहम चेहरों में से पहला नाम है विप्लव देव का। विप्लव देव को 2 साल पहले विनोद तावड़े की जगह हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने हरियाणा की सरकार और राजनीतिक स्थिति को समझा और बीते 7-8 महीने में हरियाणा सरकार में हुई बड़े बदलाव के पीछे के सबसे बड़े सूत्रधार बने। विप्लव देव ने अपनी इस सटीक रणनीति से बीजेपी को लगातार 3री बार जीत दिलाई। सुरेंद्र नागर। हरियाणा में बीजेपी की जीत के पीछे सुरेंद्र नागर का भी अहम योगदान रहा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को इसी साल हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया था और वो बीजेपी आला कमान की उम्मीदवारों पर खड़े उतरे। विप्लव देव के साथ मिलकर उन्होंने बीजेपी की जीत की कहानी लिखी। नागर का गुर्जर समुदाय में कद काफी बड़ा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी बीजेपी की हरियाणा में जीत के पीछे अहम भूमिका निभाई। विप्लव देव के साथ मिलकर धर्मेंद्र प्रधान ने जीत दिलाने को लेकर ऐसा दाव चला जिससे विरोधी चारों खाने चित हो गए। वो लगातार हरियाणा दौरे पर रहे और वहां की जमीनी हकीकत से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया। उनकी सलाह के बाद ही हरियाणा में बीजेपी ने कई बड़े निर्णय लिए जो बाद में बीजेपी की जीत में अहम साबित हुई। सतीश पुनिया। जाट नेता सतीश पुनिया को बीजेपी ने प्रदेश प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी। राजस्थान में अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी को जीत दिलाने के बाद उन्होंने हरियाणा में पार्टी का झंडा बुलंद किया। बीजेपी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया और इसका फायदा भी मिला। पुनिया ने अपनी रणनीति से हारते दिख रहे हरियाणा को जीत में बदलने में अहम रोल अदा किया।